भाई और बहनों, सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत में जिस तरह के गांव की कल्पना की थी और उसका जिक्र उन्होंने आजादी के 3-4 महीने पहले विट्ठल भाई पटेल कॉलेज की स्थापना के दौरान किया था। और सरदार साहब ने कहा था उस कॉलेज के निर्माण के समय कि हम अपने गांवों में बहुत ही बेतरतीब तरीके से घरों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कें भी बिना किसी सोच के बनाई जा रही है और घरों के सामने गंदगी का अंबार रहता है। सरदार साहब ने तब गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, धुएं धूल और गंदगी से मुक्त करने का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि जो सपना सरदार साहब ने देखा था, देश आज उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जन भागीदारी की वजह से अब देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 95% तक पहुंच गया है। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल चाहते थे कि भारत सशक्त, सुदृढ़, संवेदनशील, सतर्क और समावेशी बने। हमारे सारे प्रयास उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में हो रहे हैं। हम देश के हर बेघर को पक्का घर देने की भगीरथ योजना पर काम कर रहे हैं। हमने उन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई है जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। हमारी सरकार सौभाग्य योजना के तहत देश के हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए दिन रात काम में जुटी हुई है। देश के हर गांव को सड़क से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना, डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम आज तेज गति से किया जा रहा है। देश में आज हर घर में गैस का चूल्हा हो, गैस का कनेक्शन पहुंचे, इसके प्रयास के साथ ही देश के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंचाने पर काम हो रहा है। सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी, जब मैं दुनिया के लोगों को बताता हूं उनको अचरज होता है, अमेरिका की जनसंख्या, मेक्सिको की जनसंख्या, कनाडा की जनसंख्या, इन सबको मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे ज्यादा लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, लोग कभी कभी उसको मोदी केयर भी कहते हैं, ये स्वस्थ भारत के निर्माण करने में मदद करने वाली योजना है। वो भारत को आयुष्मान करने वाली योजना है। समावेशी और सशक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश का हमारा आधार, हमारा ध्येय मंत्र सबका साथ सबका विकास, यही हमारा ध्येय मंत्र है। भाइयों और बहनों, सरदार साहब ने रियासतों को जोड़कर देश का राजनीतिक एकीकरण किया। वहीं हमारी सरकार ने जीएसटी के माध्यम से देश का आर्थिक एकीकरण किया है। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार किया है। हम भारत जोड़ो के सरदार साहब के प्रण को निरंतर विस्तार दे रहे हैं। चाहे देश की बड़ी कृषि मंडियों को जोड़ने वाली ईनाम योजना हो, वन नेशन वन ग्रिड का काम हो, या फिर भारतमाला, सेतु भारतम, भारत नेट जैसे अनेक कार्यक्रम, हमारी सरकार देश को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार साहब के सपने को साकार करने में जुटी है। साथियों, आज देश के लिए
सोचने वाले युवाओं की शक्ति हमारे पास है। देश के विकास के लिए यही एक रास्ता है जिसको लेकर सभी देशवासियों ने आगे बढ़ना है। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम हिंदुस्तानियों को सौंप करके गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने की हर तरह की कोशिश का पुरजोर जवाब दें और इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना है, समाज के तौर पर एकजुट रहना है। हमें ये प्रण करना है कि हम अपने सरदार के संस्कारों को पूरी पवित्रता के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी उतारने में कोई कमी नहीं रखेंगे।